अपनी बुआ की गोद में सोती इस बच्ची को मालूम तक नहीं कि इसके सिर से इसके पिता का साया उठ चुका है। दरअसल करनाल के रावर गांव में कुछ दिन पहले अपने मामा के घर आई हुई एक भांजी के साथ कुछ गांव के ही युवकों ने छेड़छाड़ की। भांजी ने उनकी शिकायत अपने मामा नरेंद्र से की। मामा ने थाने में जाकर शिकायत लिखवाई। नरेंद्र के ऊपर उन लोगों का शिकायत वापस लेने का दबाव बढ़ने लगा। शिकायत वापस नहीं ली गई, जिसके बाद उन लोगों ने नरेंद्र और उसके भाई को जमकर लाठी डंडों से पीटा। नरेंद्र को गंभीर हालत में चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जहां नरेंद्र ने दम तोड़ दिया, जबकि नरेंद्र का दूसरा भाई करनाल के सरकारी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। परिवार वालों ने नरेंद्र का शव का कई घंटों तक संस्कार नहीं किया, गांव में सड़क पर बैठकर हंगामा किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि समय पर पुलिस कार्रवाई करती तो फिर उसके परिवार का सदस्य जिंदा होता। उनका नाम शुभम है, एक का नाम गोली है निक्कू, उन्हें धमकी दी थी। दो जने थे निक्कू और गोलू। हाँ जी समझाया था बहुत, जीवना धपाई करी जी समझाने के बाद इन्हें उन्हें धपाई करी मेरे मामा के। मेरी भांजी आई हुई थी घर पे, इन बदमाशों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इनके खिलाफ हमने कंप्लेंट की मधुबन थाना, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज मेरे भाई हमारे बीच में होता। पुलिस के निकम्मेपन की वजह से मेरे भाई की डेथ हुई है। कृष्ण कुंडू बलवीर मान पूरी तरह से बदमाशों के साथ मिला हुआ है। जब तक ये नौकरी से खारिज नहीं होंगे, हम अपने भाई का संस्कार नहीं करेंगे। गांव के ही लोग हैं जिन्होंने छेड़छाड़ की थी, कुछ गांव के हैं, कुछ बाहर के बदमाश इकट्ठे हुए थे। उन्होंने अकेले देख के मेरे भाई के ऊपर हमला किया, उसकी टांगे बाजुएं तोड़ दी, ऐसी स्थिति बना दी कि पीजीआई जाके उनकी डेथ होगी। क्या दबाव बनाया जाता था, एप्लीकेशन वापस? हाँ जी, ये दबाव बनाया गया था। 26 तारीख की ये घटना थी, 26 तारीख से 30 तारीख तक हमारे ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था कि ये कंप्लेंट वापस ले ले, अगर वापस नहीं लेगा तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान से मार देंगे। हमारे ऊपर तक पहुँचा है, तो मेरा भाई ने कंप्लेंट वापस नहीं ली। 30 तारीख को करीब 8 बजे रात को इन्होंने मेरे भाई पे हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया। उनके एक दूसरे भाई के साथ भी मारपीट हुई? मेरे बड़े भाई, दो भाइयों को इन्होंने मारा है। एक सिविल हॉस्पिटल करनाल है और इनकी डेथ पीजीआई चंडीगढ़ हुई है। दोनों टांगे उनकी भी, दोनों का नाम? मेरा नाम प्रदीप है। छाती पर वही मामले की सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची और हंगामा कर रहे मृतक के परिजनों को समझाया और न्याय दिलवाने का आश्वासन भी दिया गया। ये मामला दर्ज हो रखा है और इसमें हमने धारा 302 लगा दी है। पहले हमने इसमें धारा 307 लगाई थी, जब ये नरेंद्र जब हमारे बीच में था तो हमने धारा 307 लगाई थी इसमें। लेकिन आज ज्ञात हुआ है कि उसकी उन चोटों के कारण जो है उसकी मौत हो गई है। हमने इसमें धारा 302 लगा दी है और जो भी इसमें अपराधी पाए जाएंगे निकट भविष्य में 2-3-4 दिन में इनको
अरेस्ट कर लिया। गांव के लोगों का कहना है कि कई दिन पहले मामला 307 लगी थी, लेकिन एक भी आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? नहीं, इसमें हमने दो आरोपी गिरफ्तार किए हुए पहले, और जो बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। सर, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या क्या इसके अंदर क्या कार्रवाई होने वाली है? जो दो नाम आए हैं सामने कि उन्होंने जो है मामले में बिल्कुल भी जो है लापरवाही बरती है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मैंने गांव वालों से भी कह दिया इस बारे में कि अगर आपकी कोई पर्सनल कोई शिकायत है तो आप मुझे लिखित में दीजिए, मैं उस दरखास्त के ऊपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी करवाऊंगा। अन्य और अगर ये मुझे लिख के भी नहीं देंगे तो उसके बावजूद भी मैं अपने तौर पे इस बारे में एक इंक्वायरी करवाऊंगा। गांव में हुई एक छेड़छाड़ के मामले ने एक भांजी से उसका मामा छीन लिया, छोटी बच्ची से उसका पिता। फिलहाल पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार की बात कह रही है। साथ ही साथ अगर किसी पुलिस कर्मचारी की केस में ढिलाई बरतने की बात सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। इस वारदात के बाद गांव में मातम का माहौल है। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।